हेलो एवरीवन, आज हम लोग कच्चे केले का शामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 कच्चे केले, बड़े साइज में हैं। 2 टेबलस्पून चने की दाल जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखी थी, 1 टीस्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 टीस्पून हरी मिर्च और 2 टीस्पून हरा धनिया जिसे मैंने बारीक काट लिया है, कुछ सूखे मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून से भी कम जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, तलने के लिए तेल। कच्चे केले का शामी कबाब बनाने के लिए जो हमने केले लिए हैं उन्हें अच्छी तरह धोकर उसके दोनों तरफ के किनारे हम काट लेंगे। इसका छिलका हम नहीं निकालेंगे, छिलके के साथ हमें इसे बॉईल करना है। कुकर में हमने केले डाल दिए, थोड़ा सा पानी देकर हम इसमें 1 प्रेशर लगाएंगे। अब इसमें 1 प्रेशर लगता है, इस दरमियान हम लोग दाल को महीन पीस लेते हैं मिक्सर में, बिना पानी के, ध्यान रहे बिना पानी के हमें दाल पीसना है, बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है इसका। दाल हमारा पीस चुका है, ये देखिए महीन पेस्ट तैयार है हमारा। केले ठंडा होने के बाद हम लोग इसका छिलका निकाल लेंगे। उबल जाने के बाद बहुत आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। सभी के छिलके निकाल लेने के बाद एक मिक्सिंग बॉल में सभी केले हमने डाल दिए और एक फोक की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आराम से ये मैश हो जाता है बॉयल होने के बाद, ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो गया। जब केला हमारा अच्छे से मैश हो गया, इसमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे हम डाल देंगे। चने की दाल डाल दी मैंने, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और हमारे जितने भी सूखे मसाले हैं, एक एक करके वो सारे हम इसमें डालते जाएंगे। नमक हमने स्वाद के अनुसार ही लिया है, कुछ लोग कम भी खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, सभी मसाले इसमें अच्छी तरह मिल जाने चाहिए। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है, इसमें सभी मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा करके धीरे धीरे इसका शामी कबाब बना लेंगे। इसका हमने गोल शेप दिया है, इसी तरह से सारे शामी कबाब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारा तैयार कर लिया। अब एक फ्राइंग पैन में हम तेल गर्म करेंगे और हमने जो कबाब बनाए थे धीरे धीरे 1 by 1 इसमें डाल लेंगे हम लोग और इसे मीडियम आंच पर अच्छे से ऊपर नीचे करके फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छे से पलट के, कहीं से भी कच्चा ना रहे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन हो जाने पर हम इसे पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। इसी तेल में बाकी बचे हुए शामी कबाब भी हम दोबारा से तल लेंगे। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। ये शामी कबाब गर्म गर्म बहुत ही अच्छे लगते हैं, इन्हें चटनी या किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत लजीज और बहुत ही टेस्टी। ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगे ये रेसिपी तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।